1 2 का 4, 4 2 का 1. My name is Lakhan. My name is Lakhan. जाई भूली सा क्यों, जी भूली सा क्यों, जिको बनाया गया है मेरे लिए. ग्रिल खाना है ना? हाँ, ग्रिल. ग्रिल के लिए ये अच्छा होता है. ओ भाई साहब, हम तीन दोस्त निकले हुए हैं. क्या ढीडो ढूंढने? ढीडो. दिस इज फॉर 600 bucks. दिस इज अ TMS कार्ड, व्हिच इज अ ट्रैकर्स इंश्योरेंस कार्ड. इफ एनीथिंग हैपेंस टू, इफ यू डोंट रीच बैक ऑन टाइम व्हिच यू हैव रिटन हियर. सो गाइस, यहां भी घूमना हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है. हाँ जी, तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पोखरा दिखाने वाला हूँ. कल मैं राइड करके आया था काठमांडू से पोखरा तक. अगर वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो इस ब्लॉग में मज़ा नहीं आएगा. तो पहले उस ब्लॉग को जाकर देखिए, इसके पिछले वाले ब्लॉग को देखिए, फिर इस ब्लॉग को देखिएगा तो ज़्यादा आप मतलब रिलेट कर पाइएगा. सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब. मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूँ चैनल गौर राइडर्स में. तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं पोखरा के जो भी आसपास साइट सीइंग है वो दिखाने वाला हूँ, और नाइट में पोखरा कैसा दिखता है वो दिखाने वाला हूँ. कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, वो भी सब कुछ रहेगा इस व्लॉग में. और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्लिप मैं डालूंगा. एक हमारे हॉस्टल में दोस्त बने हैं शुभम भाई, तो उन्होंने स्विंग किया था. तो पोखरा जब लोग आते हैं तो बंजी जंपिंग, स्विंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब जरूर से करते हैं. हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें बहुत डर लगता है हाइट से, तो हम नहीं करते हैं. लेकिन उस भाई ने किया है, तो उनका एक छोटा सा क्लिप जो है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दे रहा हूँ. अगर आप ही पोखरा आते हो तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि द क्लिफ कंपनी है जो करवाती है ये सारी चीज़ें. तो उनका नंबर भी है उस वीडियो में, तो वो आपको देखोगे वीडियो तो आपको पता चली जाएगा. तो चलिए फटाफट इस ब्लॉग को शुरू करते हैं. सो गाइज 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 गाइज, एक चीज़ आपको और मेंशन करना चाहता था कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप फटाफट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आओ. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है go_riders_shashank. चलिए फटाफट ब्लॉग को शुरू करते हैं. सो गाइस, ये हॉस्टल की प्रॉपर्टी है, हॉस्टल पोखरा. अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, थोड़ा पोखरा एक्सप्लोर करेंगे. सामने नज़र आ रहा है, ये यही है मेन लेक जो कि है पोखरा को. और ये मार्केट है पोखरा को, जो कि रात को कुछ और ही दिखता है जब लाइट्स जलते हैं. तो यहाँ पे अगर आप बाइसाइकिल भी हायर करना चाहते हो तो बाइसाइकिल हायर करके आप घूम सकते हो पूरे पोखरा. चलिए, वे टू स्तूपा लिखा हुआ था, तो ये ऑफ रोड दिख रहा है मुझे. स्तूपा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फॉरेस्ट और ऑफ रोड तो जरूर नजर आ रहा है. क्या बात है यार, दिख रहा है ये पीक, अन्नपूर्णा पीक है ये. और ये है पगोडा. चलिए ऊपर चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं. दिस इज माय चेतक, एंड लुक एट दिस व्यू मैन, लुक एट दिस. इन सीढ़ियों से हम जाएंगे पगोडा की तरफ. यहाँ से तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा व्यू आ रहा है, पूरा अन्नपूर्णा रेंज जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन वहाँ से कितना दिखता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा. तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वीडियो में ब्लॉग के साथ आपको बने रहना पड़ेगा. तो गाइज, आपको जो लेक नज़र आ रही है पीछे, ये है पोखरा की लेक, और उसके ऊपर में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे माउंटेन, और उससे ऊपर जो माउंटेन दिख रहा है वो है अन्नपूर्णा रेंज दिखता है. अन्नपूर्णा का जो पीक है वो दिखता है, पूरा आपको स्नो कैप्ड माउंटेन नज़र आ रहे होंगे. देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है यार, काफ़ी खूबसूरत जगह है. कुछ लोगों ने मुझे बोला था पोखरा मत जाओ, कुछ नहीं है यार, लेकिन लिटरली मुझे काठमांडू से ज़्यादा अच्छा पोखरा लगा है.
गाइस यहाँ भी घूमना हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, वहाँ चलते हैं। पहले नीचे चलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। और यहाँ पे वीडियोग्राफी जो है वो अलाउ नहीं है। छोटे मोटे शॉट्स निकाले हैं यहाँ के पगोड़ा के, वो आपको मैंने दिखा दिया। सो आप छिपा करके अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। मैं एक्सप्लोर कर रहा था, अभी आया था पगोड़ा, तो दो भाई लोग मुझे मिल गए हैं जो नेपाल से हैं। भाई आप इधर आओ। तो ये हैं हमारे भाई, ये चलाते हैं, कौन सी बाइक चलाते हो आप? नहीं, वो मेरे दोस्त का है। ओके, 220 है। 220 है। तो भाई बता रहे थे कि इंडिया में शायद डिसकंटिन्यू हो गया, तो मुझे नहीं उतना पता है, अब जाके पता चलेगा। मैंने न्यूज देखा था लेकिन वो झूठे है सच मालूम नहीं। सो आप कहाँ से? यहाँ पे पोखरण से हो या कहीं और से? थोड़ा दूर उधर 15 किलोमीटर दूर इधर से। कौन सा गाँव? तनाव बोलते हैं। तनाव। अच्छा चलो भैया, दो मेरे दोस्त और बन गए हमारी फैमिली में, दो और ऐड हो गए नेपाल से। लेना भाई के। थैंक यू सो मच भाई। अब आप भी आ जाओ, आप क्यों भाग रहे हो? इधर आओ, आ जाओ। आपका नाम क्या बाबा? हेलो जी, माय नेम इज विशाल। आप भी वहीं? हां yes, भाई का घर है वहीं पे। आई एम फ्रेंड है। ओके ओके, को राइडर को सब्सक्राइब कर दो और 100 के इट कर दो। ओह थैंक यू सो मच भाई, लव यू लव यू। ये और बोलो 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 बोलो, नो इशू नो इशू। अच्छी कंटेंट लेके आएंगे आप लोग, दोस्तों को भी बोल देंगे भाई। हमें मोटो ब्लॉगिंग बहुत पसंद है ना भाई, मोटो ब्लॉग कम्युनिटी के सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। भैया हमारे लिए चाय लेकर के आए हैं, गर्मा गर्म मसाला चाय। भैया इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? हम इलाइट ऑर्गेनिक है। इलाइट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ओके। सो गाइज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आप बुद्ध स्टैचू आओगे जब, स्तूपा जो मैं आपको दिखाया, वहाँ से नीचे उतरोगे तो एक नीचे वहाँ से चला जाता है जहाँ पे व्हीकल पार्क होती है, और हमने जो है ऑफ रोड करके मैं आया हूँ, बाइक मेरी वहाँ पार्क है। तो ऐसे इन सीढ़ियों से आओगे तो ये आपको रेस्टोरेंट दिखेगा, और यहाँ से जो नज़ारा है भाई साहब देख लो, दिख रहा है पूरा लेक दिख रहा है, पूरी सिटी दिख रही है, माउंटेन दिख रहे हैं जो कि स्नो कैप माउंटेन आई थिंक अन्नपूर्णा पीक है ये, और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, दूर से पक्षियों की तरह उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ हम जाएंगे, और आपको भी दिखाएंगे इस लेंस के माध्यम से और ख़ुद भी देखेंगे। गाइस नेपाल में इतना प्यार मिल रहा है, कुछ और भाई लोग मिले हैं मुझे तो उनसे भी मिलवाता हूँ आप। मैं मंदीप पाठक, चितवन से हूँ। कहाँ से? चितवन। चितवन, ओके। क्या क्या किया यहाँ पे, कौन कौन एडवेंचर कुछ किया? पैराग्लाइडिंग किया, कुस्मा में बंजी जंप किया। कुस्मा? हाँ। क्या प्राइस किया था वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का? कितना लिया? 5500 समथिंग लेके। ओके ओके। एंड उसका बंजी जंपिंग का? 7500। तो मजा आया करके? बहुत मजा बहुत, थोड़ा डर तो लगा। मैं भी मेरे भाइयों से आया, दोस्तों। ये इनके दोस्त हैं। भाई अपना नाम बताइए आप लोग। मेरा नाम रोजन पाठक है। ओके। मैं भी चितवन से हूँ, हम सब लोग दोस्त थे। ओके यार, सही है। आपका नाम बाबा? क्या विदक? किदक? रिदक। और आपका नाम बाबा? मेरा नाम संजय गोरियार। संजय गोरियार, उग्रवादी। सही है। कोई नहीं, दोस्तों में चलता है, दोस्तों में इतने खिंचाई तो चलती है। चलो बाबा, थैंक यू। ओ भाई साहब, ओहो तू फाइनली छून चुका यार। सो गाइस एक लॉज भी है, पीस ड्रैगन लॉज के नाम से, और ये है इनका नंबर, साइट भी है। तो अगर आपको नज़ारों के साथ रुकने का शौक है तो आप यहाँ पर भी आकर के रुक सकते हो, और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो नज़ारा है ना, वेट लुक एट दिस, ये दिखेगा पूरा इस लॉज से। चलिए
चलते हैं सिटियों से नीचे और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन सर्च करते हैं कहाँ चलना है। चलिए कुछ एडवेंचर करते हैं। अगर आप हाइक करने के शौकीन हो तो आप हाइक करके भी आ सकते हो। मैं उतना हाइक करना या ट्रैक करना मेरे को उतना पसंद नहीं है, करेंगे कभी टाइम आएगा तो करेंगे। अब बाइक लेके आए हैं तो यार बाइक से ही घूमेंगे ना। अपने भगवान दिख रहे हैं ऊपर, लॉर्ड शिव महादेव हर हर महादेव। अस्तुपा से आपको सीधे स्ट्रेट रास्ता है, वहाँ से आप सीधे आप ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर का ऑफ रोड करने के बाद आप पहुँच जाओगे लॉर्ड शिवा के जो स्टैचू दिख रही थी पोखरा से, बहुत विजिट है। अगर आप पोखरा में हो तो आना बनता है यार। चलिए लेट्स गो। शॉर्टेस्ट रूट दे दिया है गूगल माता ने फिर से मुझे, बाकी व्हीकल पता नहीं कितने कितने जा रहे हैं, छोड़ो कोई बात नहीं है, बट जो भी रास्ता दिया है मज़ेदार रास्ता दिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ पोखरा। मैं क्या अकेले ही हूँ उस रास्ते पे? हाँ जी, मैं अकेले ही हूँ इन रास्तों पे। दोस्तों ये सारे फुटेज जो आप देख रहे हो ना, मैंने शूट किया है, इतना ज़्यादा फुटेज शूट किया है और उसका घचपच 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 हो गया, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, इतनी ज्यादा मेहनत लगी ना इस वीडियो को पूरा प्रॉपर बनाकर एडिट करके एक्सपोर्ट करने में। मैं ही जानता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कितना मेहनत करता है शशांक। आप आते हो, वीडियो देखते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, चले जाते हो। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाया करो, कुछ कॉमेंट करके जाया करो, अच्छा लगा बुरा लगा, क्या चाहिए आपको और क्या नहीं चाहिए होना चाहिए, तो कम से कम कॉमेंट तो करो। जय हो गूगल माता की। वाह, दिल खुश कर दिया आज गूगल माता ने। मस्ट विजिट प्लेसेस हैं ये दोनों। यहाँ से क्या मतलब व्यू आता है यार पोखरा का, लिटरली बहुत खूबसूरत व्यू आता है यार। एंड गाइस जब आप लॉर्ड शिवा के स्टैचू तक जाते हो ना तो सबसे पहली पार्किंग आएगी, आप वहाँ पे मत पार्क करना, आप आगे बढ़ना, कम से कम 300 मीटर आगे और बढ़ोगे तो आपको वहाँ ही पार्किंग मिल जाएगी, वो पहले ही रोक देता है। प्लीज पहले मत रुकना, आगे वाला में जाकर पार्क करना, कि थोड़ा कम चलना होगा। सामने नजर आ रहा है पूरे पीक्स दिख रहे हैं, स्नो कैप पीक्स। तो गाइस हम तीन दोस्त निकले हुए हैं। यो क्या ढीडो ढूंढने, ढीडो तो काठमांडू में मैंने सुना था इसका नाम, तो वहां तो नहीं खा पाया, लेकिन अब पोखरा में हूँ तो ढूंढते हैं खाते हैं। करना क्या है दिन में, कुछ करना नहीं है, घूम घूम के खाने का ढूंढना है सामान, क्या क्या खा सकते हैं नेपाल में, और शाम को करेंगे फुल चल पौड़े पौड़े। अभी हम इस सुरंग से नीचे नीचे जाएंगे। क्या बात है, मस्त होटल वाटर साइड यार, यहाँ पे एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है पोखरा में। ओहो पैराग्लाइडिंग हो रहा है ना। ओ भाई साहब ये देख पूरा चारों तरफ फैला पड़ रहा है। ओके पीपल लैंड हियर एज वेल। हियर या मेनी पीपल लैंड हियर और देयर। डेडो 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 हो का नॉन वेज और वेज 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 मैं तो नाश्ता करके बैठा हूँ ब्रो।
एक नॉन वेज एक वेज लगेगा 45 मिनट तो फिर 45 मिनट्स हां बनाना पड़ेगा सभी अब बनाओ अब बनाओ कोई इशू नहीं बैठो उधर हां बैठ सकता है विद द व्यू नाउ किस थैंक यू सो फाइनली भाई साहब डीडो मिल चुका है हमें तो मैं खाऊंगा वेज डीडो और भाई जो अपना है वो खाएगा नॉनवेज डीडो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये तो सीधा बच्चा है ये तो खाता ही नहीं नॉनवेज हरिओम हरिओम ये राधे 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 कौटिल्य कौटिल्य झा शुभम झा झा जी हैं झा जी सब जानते हैं झा जी भूल रहे थे क्या लोकेशन है यार यहाँ शाम को करेंगे हम पार्टी ये दिख रहा है ये पूरा लेक साइड है हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी है लेकिन पार्टी जो होता है पहाड़ी उधर होता है हमारे लिए लेमन टी है ना हाँ। हमारे यहाँ इतने छोटे से कप में मिलता है लेमन टी यहाँ देखो इतने बड़े ग्लास में काफी अच्छा टेस्ट है यार इसके अंदर नीचे के मतलब इसमें हनी डाला हुआ है शुगर नहीं डलवाया हमने लेमन है और तो कुछ ऐसा मसाला है कुछ So guys, ये है डीडो मेन जो है यही है क्या बताओ दही के साथ खाओ और दाल के साथ में खाओ दी बेस्ट और जिसे नहीं खाया उसका एक्सपीरियंस भी तो लो आई विल कम अगेन हैव दिस अगेन अगेन नॉट नाउ स्टमक इज फुल फ्रॉम मुस्तांग यस फ्रॉम मुस्तांग ये क्या है अच्छा इसी का बनता है इसी का है वो अच्छा इसका आटा इसका आटा बना रहा है तो ये फ्रॉम मुस्तांग एंड इसका वेजिटेबल भी खाता है मार के ना स्मेल नहीं आता है ना हां स्मेल नहीं वो ये नॉर्मल आटे के जैसा वो गेहूं जैसा स्मेल ही है गेहूं जैसा है तो रोटी भी अच्छा होता है हां पैनकेक खाने में पराठे अच्छा इसका पैनकेक भी बनता है हां पराठा में अच्छा ओके व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस 45 वो भी डालते हैं घी भी डालते हैं क्या आपको खाना है तो मैं घी भी डाल दूंगी हाँ थोड़ा सा डाल दीजिए एंड गाइस इसको बनाने में कम से कम 45 मिनट्स लगते हैं हम 45 मिनट्स से बैठ कर चिल कर रहे थे इस लोकेशन पे डीडो नहीं खाता है हमने स्पून ले लिया था दीदी ने बोला कि स्पून के साथ डीडो नहीं खाते हैं हाथ से खाते हैं डीडो नहीं खाता है हाथ से ऐसे खाना पड़ेगा तो एम ऐसे निकल जाना स्टमक में ओके आप लोग यूट्यूबर है या नेपाली इंडिया में कई लोग आपसे गंदी हिंदी बोलते हैं हिंदी सही है दीदी लेकिन कैसे बहुत सही है दीदी दही के साथ बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दही स्वीट है ना ये क्या दीदी चाइनीज साग अच्छा चाइनीज साग इधर है ना हमारा यू कॉमन थिंग विद थकाली एनी प्लेट यू विल गेट मुझे लगा था कि ये पालक है हमने खाया डीडो खाया तो मैं अपने जबान से बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई ऐसे ही बोल रहा है तो हमारे साथ जो एक और फ्रेंड जिनको मैंने मिलवाया था उनसे भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं भाई बताइए फटाफट बताइए कैसा लगा इतना कोई खास नहीं था सॉरी टू से बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैड इन नेपाल एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई डीडो एंड स्पेशली ऑन दिस प्लेस बिकॉज दे हैव मस्टैंग्स सीड्स सो द ओरिजिनल काइंड ऑफ डीडो नेपाल आना तो डीडो जरूर खाना और नेपाली थकाली 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 दो चीज जरूर ट्राई करना तो गाइस अभी निकले हुए हैं हम पोखरा मार्केट आपको दिखाते हैं
खुद भी देखेंगे अपनी नंगी आंखों से और लेंस के माध्यम से आपको दिखाएंगे हम। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। हाउ आर यू? तो गाइस खाने के बाद हो जाए मीठा। तो ये अंकल का ये रेस्टोरेंट है सन वेलकम के नाम से, नेक्स्ट टू सबिनास तंदूरी एंड नान हाउस। यहाँ लंच कर सकते हो। यहाँ भाई बता रहा है कि लंच काफ़ी अच्छा देते हैं यहाँ पे। लंच करना यहाँ अंकल के शॉप में आके ज़रूर से एप्पल पाई ट्राई करना। ये अंकल, थैंक यू। सो गाइस अगर आप ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, देख लो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे बात कर लेना। गाइस हमने जो खाया एप्पल पाई जो खाया उसका सिर्फ 150 रुपीज़ लगा और 150 रुपये में नेपाली रुपीज़ में, जो मतलब आप आओगे टेस्ट करोगे तभी आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। मैंने जो फील किया बहुत बहुत ज़्यादा लजीज था यार, बहुत ज़्यादा लजीज था, मज़ा आ गया खा के। चलते हैं परमिट का काम थोड़ा करवाते हैं क्योंकि कल निकलना है मुक्तिनाथ। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, थ्री सिस्टर्स गेस्ट हाउस एंड कैफे। It's for females who are traveling alone and they need a female guide or anything. They can book from here. Actually, it was basically from somewhere in between Manang route, and they opened this Three Sisters Cafe, which was run by Three Sisters actually. So it is a really good thing for female solo travelers who are afraid of, you know, traveling alone in barren places. They can hire a female guides as well. What was name? थ्री सिस्टर्स गेस्ट हाउस। ओके। सो गाइज अगर आप आते हो नेपाल में और आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप यहाँ के एटीएम से निकाल सकते हो पैसे। इंडियन कार्ड काम करेगा। भाई ने निकाला है तो ये बताएंगे एक्सपीरियंस। भाई आपने निकाला, आपका कार्ड कौन सा था? वीजा मास्टर एक्सिस बैंक आई गेस एवरीथिंग वर्क्स हियर। और पैसे निकालो आराम से, खर्च करो, अच्छी जगह है, सही जगह खर्च करो। पैसे जो निकाले तुम्हारा इंडियन करेंसी में आया NPR, है NPR, NPR, NPR. You get a tax of 350-395 NPR per transaction, but that is cool because you're getting to able to draw cash. You don't have to go for foreign exchange or anything. Exactly. Yeah, it's cool. The ATM is doing your thing. तो सारे ATMs जो नेपाल के उनसे निकल जाएगा या कोई स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक नेपाल SBI ATM है जो पीछे आपको मिलेगा, सेंटर पॉइंट ऑफ लेक साइड, वहाँ मिलेगा आपको। तो हमने सोचा कि ये भी जानकारी आपको दे दी जाए। यू नो व्हाट इज पश्मीना? इज स्पेसिफिक गोट। उस गोट का पूरा बॉडी का जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे कश्मीर का कश्मीरी जो शॉल्स वगैरह बनती है वो बनती है। बट पश्मीना इज़ अ स्पेशल प्लेस इन अ गोट, हिज नेक, उसके नेक का और भी सॉफ्ट होता है, सो उससे स्पेशली जो बनता है उसको पश्मीना बोलते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं एंट्री परमिट काउंटर पे। ऑलमोस्ट एक घंटे का ट्रैक करके इस हॉस्टल से हाइक, हाँ मतलब हाइक करके, सॉरी मतलब क्या होता है, मतलब हाइक करके, मतलब वॉक करके चलते हैं फटाफट चल के परमिट ले लेते हैं। सो गाइस हमें मिल चुका है परमिट, अब हम इस परमिट के साथ बढ़ेंगे कल मुक्तिनाथ की तरफ। TMS भी दिखाओ। TMS किधर? TMS दिखा, खोल इसको। Okay, so this is the Annapurna conservation area project which has been started by Nepal government just to keep the area clean and you know give money for that purpose. This is 1000 bucks. This is for 600 bucks. This is a TMS card which is a trekkers insurance card.
If anything happens to you, if you don't reach back on time which you have written here, which is like 6 days, 7 days, 1 month, whatever it is, they are going to send helicopters or help or whatever it is needed to save you. So please get this card as well. Most of the times, if you get the card from the basis fare or some other stop, they won't give you this card and they will just let you know that, you know, due to COVID reasons, the TMS office is closed or something like that. So please don't do that. Come to Pokhara, get this card as well, because this is necessary for your insurance. This is your basic insurance. So yeah, these two are the main things. ASAP and TMS. Thank you, bro. Thank you. Welcome. और ये हमारे भाई, ये लेके खड़े हैं मैप. जब तक भाई, brothers will be back from the trek, I'll be studying this map thoroughly and prepare myself mentally and physically to how to complete this trek. Thank you so much, guys. Please visit Nepal. Please visit Annapurna. Amazing place, amazing vibes, crazy people. Thank you. Guys, इसने जो भी किया है ना अंदर, इसको जाना नहीं है, लेकिन इसने फ्री में अपनी फोटो निकलवा ली है. दिखा फोटो, दिखा. Thank you to Nepal सरकार. नेपाल सरकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्री तस्वीर के लिए. दिस विल बी यूज्ड इन इंडिया. थैंक यू सो मच. नेपाली पीपल आर लिटरली बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं यार. एंड गाइज, मैं एक्चुअली और बता दूँ आपको कि ये जो ऑफिस है, ये सुबह के 10 बजे से खुलता है और 4 बजे इनका जो ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता है. तो इसी भी चाहिएगा, क्योंकि हम पहुँचे थे एग्जैक्ट 3:45 में. तो जो मैम थी उनसे मैंने बोला तो बोलती नहीं कल आना. फिर भाई ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद कर दिया उन लोगों ने. तो मेक श्योर करो कि मतलब 3:30 तक आ जाना, नहीं तो फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन 4 बजे के बाद आपको कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो बंद करके चले जाते हैं. इधर देखो कौन है. आपका नाम क्या है? ये ले लिया तुम्हारा. देखो मेरे पास 3 पत्ता, तू 3 पत्ता ले. 3 पत्ता उठा. ओहो, कौन सा है तेरे पास? में मेरे पास 1 है, डाल तो. उनो रिवर्स कार्ड खेल देगा तू. किंग, ओ ट्यूबो खेल लिया तूने, ये तो जीत गया. ये ले तेरा, सारा तेरा हो गया अब तो. ये भी तेरा. रानी मार दी तूने तो यार. राजा तो वैसे ही मर जाता रानी देख के. म्यूजिक चल रहा लगता है. गाइस चल रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाएंगे. भाई लोग जा रहे हैं हमारे साथ जो मिले हॉस्टल में. फिर उन्होंने बोला चलो फिश विश खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं. चलिए फटाफट चलते हैं और आपको भी खिलाएंगे, मतलब दिखाएंगे. खिलाएंगे नहीं, दिखाएंगे. सो ये सारे लेक साइड के रेस्टोरेंट हैं. क्या मस्त, बैठो खाओ पियो और लेक के मजे लो. एंड गाइस, अभी दिखाया था आपको लेक साइड का, अब ये है रोड साइड के सारे रेस्टोरेंट. क्या भाई, यहाँ तो फिश विश दिख रहा है. क्या हाँ, ये भी है इसकी में आए न्यू ईयर के लिए. लेकिन एलियन को मिलेगा कहाँ से इधर? नहीं तो वो जो मेन हम लोग खाएंगे वो ढका हुआ नहीं है. चल कोई ना. अरे दीदी,
आप बताओ सबसे अच्छा आइटम कौन सा आपका फिश में? इसमें ग्रिल खाना है ना? हाँ ग्रिल, ग्रिल के लिए ये अच्छा होता है। ये कौन सा? ये पॉम्पलेट। रोहू ओके। मीठे पानी वाला है? मीठे पानी वाला है। कहाँ से निकाल? लेक, लेक, लेक वाला है। लेक, लेक, लेक का। देख के हुआ दीवाना, कभी कभी तो मैंने खुद को भी ना पहचाना, सोचा बिताऊं तेरी बाहों में ये जिंदगानी, कभी ना करना तो खुद मुझसे अनजाना, बड़ा संभाला करूं प्यार ना हो जाए कोई, रात ना सीना मेरा दिल ना ले जाए, पर देखा तुझे तो मैं देखता ही रह गया, इतनी बेरहमी से कोई दिल ना चुराए, उस रब ने भी तुझे बड़ा सोच के बनाया, सारी दुनिया का नूर दिया तुझ में समाया, देखा हुआ ना लगा सपने से कम आया, दिल को फिकर जरा प्यार से समझाया। पहली है ये कैसी पहली जिंदगानी, ला 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 ला, पीले इशे इश में आशा, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, बंठन चली देखो है जाती रे जाती रे, बंठन चली देखो है जाती रे, ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, 1-2 का फोन Alright, Shubham, how's it going, man? I am fucking scared. Uh-huh. I don't know what'll happen. Uh-huh. But I'm sure it's gonna be great fun. Ready for the swing, Shubham? I am 100% ready for the swing. Alright, let's. One! Okay. Time in the camera. 148. Then 49. 4950-5152. Amazing! What an experience, lifetime. I'm coming back within 1 year to get my 50% discount for the bungee jumping. And I have to lose 4 kg as well. What a view, what a place, what a vibe, and safety 110%. You can talk, na? No need to close now. I already spoke a lot. Okay. Anyway, congratulations for doing all highest swing. Okay, bro. Thank you. शुरू हो गया कातिल चीज। हो हो बहुत संभल संभल के चलना बाबू शशांक, नहीं तो